Hi everyone, hello and welcome to Amul Facebook Live. My name is Hina and once again I am back with another recipe. So let's start. Okay, let's see, let's wait for a few more people to join. तो आज हम बनाने वाले हैं गणपति प्रसाद सीरीज में आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन होल मूंग सुंदल। तो ये सुंदल हम नमकीन और मीठा दोनों वे से बना सकते हैं, बट आज मैं सॉल्टेड नमकीन बनाऊंगी सुंदल को। तो इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये होल मूंग ग्रीन, इसको मैंने 8 आवर्स के लिए पानी में भिगो कर रख दिया और उसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुक करके 2 विसल्स के साथ प्रेशर कुक करा, इस तरीके से पानी डाल के। ज्यादा पानी नहीं डालना, इतना ही पानी डालना है जितने में मूंग हमारे जो है मूंग जो होल है वो अच्छे से बॉईल हो जाए। तो ये मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस करके रखा है, आप देखेंगे कि मैंने प्रेशर कुकर खोला है और आप देखेंगे ये खुला खुला मूंग बॉईल हो गया है इस तरीके से। आपको 1-8 घंटे तक इसको भिगाना है, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसको सिंपली बॉईल करना है। तो आप देखेंगे ये मैंने प्रेशर कुक करके रखा है और ये इस कंसिस्टेंसी का मैंने बॉईल कर लिया है। तो ये हमारा रेडी है और इसके बाद अब हम इसमें लगाएंगे एक तड़का। ये साउथ इंडिया में एज अ प्रसाद सर्व करा जाता है इस डिश को। तो यहाँ पर अब मैंने पैन को गरम करने रख दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी घी। आप ऑयल, घी, कोकोनट ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ये मैंने 2 चम्मच मैंने इसमें घी लिया है और इसमें हम एक लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चना दाल, उड़द दाल, ड्राई करी लीव्स, ड्राई रेड चिली, हींग एसाफेटिडा और साथ में मैंने लिया है राई के दाने, राई, काली जो राई होती है सरसों, वो लिया है। तो इसका हम लगाएंगे इस पे तड़का सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो दालें हैं चना दाल और उड़द दाल को डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा जब तक इसमें कलर आए तब तक हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ जो ये दालें हैं जब ये कलर ले लेंगी तब हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो जब तक ये दाल थोड़ी हमारी फ्राई हो जाए, इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच चने की दाल, 1/2 चम्मच उड़द की दाल और इसको हम एक गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो वहां पे गणपति विसर्जन के बाद इस प्रसाद को सर्व किया जाता है दोनों में डालकर, या काले चने का प्रसाद इसी तरीके से बनाया जाता है या मूंग का, होल मूंग का बनाया जाता है। तो आज गणपति विसर्जन हो गया है तो उस या हो रहा है हर जगह पर, देश के कोनों कोनों में हो रहा है गणपति विसर्जन। तो आज उसके बाद जो ये नमकीन प्रसाद बटता है वो मैं आज बना रही हूँ। तो मैं आज बना रहे हैं हम होल ग्रीन मूंग सुंदर, इसको नवरात्रि के प्रसाद में भी सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो दालें हैं ये इसमें थोड़ा सा कलर आ गया है, आपको मैं दिखाऊं कि हल्की पिंक हो गई है दालें और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये राई के दाने, ये भी अच्छे से स्प्लैटर होंगे। उसके बाद ये जो हमने रेड होल चिली है, ये करी लीव और हींग, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे।
तो ये सब भी मैं इसमें डाल दूंगी और ये अच्छे से एक एरोमेटिक होने तक हमें इसे पकाना है। और साथ में मैं ऐड करूंगी ग्रेटेड कोकोनट। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया है, इसको भी हम थोड़ा डालकर भून लेंगे। मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा है। ये जो कोकोनट है ये डाल दिया हमने। अब मैं इसमें डालूंगी ये मूंग, जो मैंने मूंग बॉईल करके रखे हैं वो भी हम इसके साथ में डाल देंगे इस तरीके से। तो ये कोकोनट और मूंग और ये तड़का लगा के हम बनाएंगे प्रसाद। इसको कहते हैं ग्रीन होल मूंग सुंदर। और साथ में मैं डालूंगी हरा धनिया और थोड़ा सा नमक। पहले हमने थोड़ा सा डाला था नमक बॉईल करते वक्त, अभी भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। तो ये हमारा बहुत ही डिलिशियस ये मूंग का जो प्रसाद है ये बनकर रेडी हो गया है विद इन नो टाइम। तो आप इसी तरीके से सिंपल सिंपल प्रसाद की जो डिशेज होती हैं बहुत ही यूनिक होती हैं, बहुत फास्ट बन जाती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं और बहुत ही लाइक इसमें एक अपना स्वाद आता है। जब हम किसी प्रसाद को बनाते हैं तो उसमें एक अपना ही स्वाद आ जाता है। आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि प्रसाद में एक अलग ही टेस्ट होता है। तो आज हमने बनाया है ये होल मूंग के का सुंदर, ये सॉल्टेड बनाया है। इसी तरीके से एक मीठा वर्जन भी बनता है, फिर के सीजन में मीठा वाला भी सुंदर बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि उसको कैसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से बनाया जाता है, आप देखेंगे ये रेडी हो गया है। और थोड़ी देर के लिए आप इसको कवर कर दें, अच्छे से सारी चीजें गर्म हो जाए, हल्का कोकोनट धनिया और जो तड़का है वो सबका फ्लेवर इसमें आ जाए और ये हमारा जो प्रसाद है ये रेडी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो अब मैंने ये पैन को बंद कर दिया है, ज्यादा हमें नहीं पकाना है इसे, बस हल्का सा टॉस करेंगे और ये हमारा जो प्रसाद है ये रेडी हो जाएगा इस तरीके से। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो इसको मैं सर्व कर दूंगी इस तरीके से, हम एक बोल में प्रसाद सर्व कर देंगे। मीठा तो हमने बहुत बनाया इन 10 दिनों में, अब एक सॉल्टेड ये प्रसाद बना रही हूँ। तो ये बहुत ही डिलिशियस होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, तो आप लोग जरूर बनाया करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू ओमली फॉर दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पर आकर हम अपनी रेसिपीज शोकेस करते हैं और आप सब लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय बाय।